The question given is to find the angle between the lines x plus z equals to 0, y equals to 0 and 20x equals to 15y equals to 12z. तो हमें क्या गिवन है? हमें lines गिवन है x equals to minus z. तो x upon minus 1 equals to z upon 1 equals to और y तो 0 है. तो ये हमारी एक line हो गई. And हमारी दूसरी line क्या है? x by 1 upon 20 equals to y upon 1 upon 15 equals to z upon 1 upon 12. So, इसके according हमें क्या मिल जाएगा? a1 equals to minus 1, b1 equals to 0, c1 equals to 1 and a2 equals to 1 by 20, b2 equals to 1 by 15 and c2 equals to 1 by 12. अब हमें angle between the चाहिए. तो हमें क्या मिलेगा? cos theta equals to, अगर ये एक vector है x1 हम ले लेते हैं और ये vector है x2. तो ये कितना हो जाएगा? x1 dot x2 upon mod of x1 into mod of x2, that is minus I cap plus k cap dot of 1 by 20 I cap plus 1 by 15 j cap plus 1 by 12 k cap और उनका mod मतलब ये हो जाएगा under root of minus 1 square plus 1 square into under root of 1 by 20 square plus 1 by 15 square प्लस 1 बाई 12 स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 20 होल अपॉन अंडर रूट 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू रूट 2 अपॉन 15 इंटू 12. तो ये हो जाएगा 8 बाई 12 इंटू 20 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 12. तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा? 8 अपॉन 40. सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 5. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 5. सो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है एंगल इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 5.